तो मैं था एक विदर जिसका काम था इस दुनिया में माहौल मचाने का, और उसके बाद आता है मेरे जिंदगी में एक ब्लैकस्टोन गोलम और साथ में एक नेक्रोमेंसर। तो इन्हीं लोगों ने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है और इन्हीं लोगों के बीच में मुझे सर्वाइव करना है 100 डेज। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एंजॉय द वीडियो। तो यार मेरे पहले दिन की शुरुआत हो गई थी ये वाले बायम में, जो कि था एक सवाना का बायम, और मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमता हूँ और अपनी एबिलिटी टेस्ट करता हूँ इस गाय के ऊपर, और इसको जब मैं मारता हूँ दूसरी बार तो ये भाई बहुत जल्दी मर जाती है। और फिर मैं उसके बाद एक और गाय पर ट्राई करता हूँ और वो भी बहुत जल्दी मर जाती है। अब यार तुम खुद ही बताओ, इतनी सारी पावर है मेरे पास और ऊपर से मेरे पास एकदम डबल हार्ट है। और अगर मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत स्पॉइलर दूं ना, तो इस वीडियो में मैं 2 बार मरते मरते बचाऊँ तो वो तुमको आगे देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन बात छोड़ो वाली, और अभी हम लोग जल्दी से थोड़े बहुत वुड माइन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं जल्दी से अपने लिए एक पिकेक्स और एक एक्स बना लेता हूं, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत दुनिया एक्सप्लोर करने चलता हूं, थोड़ा बहुत और चीजें देखता हूं यहां पे, और इन लोग को मैं थोड़ा बहुत और मारता हूं। ये जो शिप विप थे, थोड़ा मजा आ रहा था मुझे मारने में इनको, क्योंकि मुझे वुल भी चाहिए थे बेड के लिए। अब भाई विदर को सोते हुए देखोगे तुम लोग कुछ देर बाद। तो यार ऐसे ही मैं घूमते घूमते आगे चलता रहता हूं और सामने मुझे मिल जाता है एक विलेज जो कि बहुत गजब का था, और मैं आया था इधर पूरा माहौल मचाने के लिए। मैं फालतू में इन लोग को मारना चालू कर देता हूं, ये लोग भी सोच रहे होंगे क्या हो गया ये विदर को एकदम से मार रहा है। और विदर स्कल से ही नहीं, मैं उसको अपने एक्स से भी मार रहा था, और एकदम से एक विलेजर मारने के बाद एक आयरन गोलम खोल जाता है। तो इसको मैं एकदम पास पास जाके मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई इसका डैमेज अलग ही लेवल का था, पता नहीं कैसे इतना एक साथ कैसे मार सकता है ये। और फिर मैं इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाके इसको मैं मार देता हूँ। भाई इसके साथ ना इंसाफी हुई अभी, भाई इतने लंबा तो हार्ट है नहीं इसका, लेकिन फिर भी मैं उसे मार देता हूँ। लेकिन अब उसके मरने के बाद भाई ये विलेजर लोग को मैं नहीं छोड़ने वाला, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं फालतू में इनको बहुत ज्यादा मारता हूँ। इनके घर वर भी तोड़ने वाला हूँ मैं थोड़ी देर बाद, लेकिन एक एक करके इन लोग को मारता हूँ। लेकिन बाद में देखना यार, ये लोग एक दो थोड़े बहुत पता नहीं कैसे 2 आयरन गोलम और स्पॉन कर देते हैं। लेकिन उन सबको मारने के बाद मैं भाई इनके ऊपर बहुत अत्याचार कर देता हूँ रात तक, और रात को भी मैं इनकी सोने नहीं देता हूँ, मतलब एक विलेजर को, और इसका बेड उठा के खुद ही सो जाता हूँ। अब भाई विदर भी सो रहा है बेड के ऊपर, तो ये बहुत अजीब ही सीन था। और सुबह उठने के बाद यार यहाँ पे एक और आ जाता है, तो इसको भी मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं आराम आराम से मारता हूँ, जान दो वो सीन मत देखो। फिर मैंने यहाँ से थोड़े हेबल्स तोड़ के उसका मैं बना लेता हूँ अपने लिए ब्रेड, और फिर मैं इन विलेजर लोगों से पूछता हूँ कि मुझे किसने बनाया, लेकिन इन लोग को पता था नहीं, तो यार अब मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा मुझे किसने बनाया। लेकिन एकदम से यहाँ आगे चलते चलते मेरे सामने एक पोर्टल खुलता है, और उसके अंदर से निकलता है एक विदर नेक्रोमेंसर जो कि भाई हमारा विलन है, और ये आके मुझे बोलने लगता है कि मैं एक गंदे विच का बनाया हुआ एक कीड़ा हूँ, और साथ ही साथ मतलब ये मुझे बोल रहा था कि मैं विच को भी मारूंगा और तुम्हें भी मारूंगा। अब मुझे नहीं पता इन लोग के बीच में कौन सी वॉर चालू है, और ये उसने मुझे बताया भी नहीं कि क्यों इसका झगड़ा चालू है वो वाली विच के साथ, और ये मुझे बोल रहा था कि तुम दोनों ही मरने वाले हो, और मुझे नहीं समझ रहा था ये कौन से विच की बात कर रहा है, क्योंकि यार मेरी याददाश्त मिट चुकी थी शायद। और इसने मुझे बस ये बताया कि मैं विच के साथ बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉसेस को मारता था पहले के जमाने में, और अब शायद मेरी याददाश्त मिट चुकी है, बस इसने मुझे इतना ही बताया, और इसका झगड़ा चालू है विच के साथ, और ये सब बोल के एकदम से भाग जाता है अंदर अपने पोर्टल में। हे गाइस, मार्च के एंडिंग में और अप्रैल के स्टार्टिंग में क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी और एक्सपेक्टेड इवेंट है हमारे वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में, द इंडियन प्रीमियर लीग 2022, जो सिंपली आप मिस नहीं करना चाहते हो, और ये इवेंट आपको एक अच्छी खासी जीत दिलाएगी, और ये असली है। और 1xBet मेक श्योर डेट यू ऑनेस्टली रिसीव योर मनी, और इस पे आप दूसरे लोगों के साथ स्पोर्ट्स पे बेट कर सकते हो, मैचेस के रिजल्ट देख सकते हो, ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हो, और अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए आपके पहले डिपॉजिट पे 15,600 का ऑफर मिलेगा, और आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो अपने विनिंग्स को थ्रू अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में। तो मैंने तो 1xBet को चूज कर लिया है और ट्राई भी किया है, और आप भी चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। पिन कमेंट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, और प्रूफ करो कि तुम एक ट्रू स्पोर्ट्स फैन हो। और मुझे नहीं समझ रहा था भाई ये कौन सी विच है और क्या क्या चालू है यहाँ पे, लेकिन मैं अपने काम से काम रखता हूँ और जल्दी से जाके अपना कुछ स्टोन कलेक्ट करके अपने लिए टूल्स बना लेता हूँ। मेरे पास कुछ आयरन थे तो मैंने अपने लिए एक पिकेक्स और एक चेस्ट प्लेट बना लिया है, लेकिन मुझे यार पूरा आर्मर भी चाहिए था आयरन का, तो मैं यहाँ से जल्दी से माइनिंग करने निकल जाता हूँ आयरन की। और यहाँ पे मैं बहुत दिन टाइम पास करके यहाँ पे कोल वोल एकदम आयरन वायरन को एकदम तेजी से माइन कर लेता हूँ, बहुत दिन मुझे टाइम लगता है। और माइन करते करते मुझे पहली बार भाई एमरल्ड का ब्लॉक मिलता है, जो को मैं तोड़ता हूँ, लेकिन वो टूटता है नहीं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद उसको तोड़ ही लेता हूँ। वैसे कोई काम नहीं आने वाला वो, भाई पता नहीं क्यों फालतू में इतना रेयर बना के रखे हैं उसको, फालतू की हाइप है यार, जाने दो यार वो सब छोड़ो। तो मैं यहाँ पे स्मेल्ट करने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, और जैसे ही स्मेल्ट होता है उससे मैं बना लेता हूँ अपने लिए पूरा आर्मर, और फिर रात को ही निकल जाता हूँ ढूंढने के लिए उस विच को जिसने मुझे बनाया है। और ऐसे चलते चलते जब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, तब मुझे दिखता है कि ये पोर्टल टूट चुका है, और यार मुझे नहीं समझ रहा था कि भाई ये कैसे, किसने तोड़ दिया, भाई उसी ने तोड़ा कि क्या हुआ, मुझे नहीं समझ रहा है कुछ। लेकिन यार मैं वापस जाने की कोशिश करूंगा वहाँ पे कभी ना कभी। और यहाँ पे मुझे एक शिप दिखती है, तो मैं इससे पूछता हूँ कि इधर क्या हुआ था, तो ये मुझे बता नहीं रही थी, तो इसको मार देता हूँ मैं, और फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब पता नहीं वो पोर्टल के लिए मुझे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसको मैं बाद में करूंगा। तो मैं उस विच को ढूंढने जा ही रहा था कहीं ना कहीं, तो मैं इससे भी रुक के पूछता हूँ पिलेजर से कि भाई वो विच का घर वर जानता है क्या, लेकिन ये मुझे बताने की कोशिश नहीं,
कर रहा था, उल्टा यार ये मुझे मारना चालू कर देता है कुछ देर में। इससे मैंने बहुत देर बातें करी पहले तो, लेकिन जैसे इसने मुझे मारने की कोशिश करी तो मैं एकदम पागल हो जाता हूँ, इन सबको एक साथ मारना चालू करता हूँ। लेकिन ये लोग साथ में थे तो इनमें थोड़ी पावर ज़्यादा थी, इन लोग मुझे अच्छा खासा डैमेज दे रहे थे। लेकिन एकदम से मैं इनका घर लूटने चले जाता हूँ पिलेजर आउटपोस्ट, तो मुझे वहाँ पे फायर एस्पेक्ट का एक बुक मिलता है जिसको रख लेते हैं जो बाद में काम आ ही जाएगा, और फिर इनको मैं वापस से मारना चालू कर देता हूँ। लेकिन यार ये लोग भाई मेरा बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगते हैं, फालतू में इनसे फाइट लेने से अच्छा मैं यहाँ से भाग ही जाता हूँ पहले तो, और बाद में लड़ेंगे इनसे देखा जाएगा। और फिर ऐसे चलते चलते मुझे मिलता है बहुत बड़ा एक वुडलैंड मैंशन, तो इसके अंदर मैं घुसता हूँ। और मुझे पता था कि वो विच मुझे यहीं पर मिलने वाली है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे एकदम शॉर्टकट वाला रास्ता बनाता हूँ खुद के लिए, और यहाँ पे इससे पूछता हूँ कि यहाँ पे वो विच रहती है क्या। तो ये मुझे बता देता है कि वो एकदम सामने वाले कहीं रूम में एक बड़े से एकदम आलीशान वाले एक गद्दे पे बैठी हुई है। तो यार इससे बात करने के बाद मैं जल्दी से जाता हूँ आगे उससे मिलने के लिए। और भाई पहले तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन कुछ अच्छा खासा था नहीं, पता नहीं क्यों पम्पकिन वम्पकिन रखे थे इधर, कोई फालतू चीज़ें थी। फिर इससे जब मैं पूछता हूँ तो ये मुझे बताते पीछे देखो एक बार, तो यहाँ पे घुसता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो आखिरकार विच मिलती है जिसने मुझे बनाया है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि यार तुमने मुझे क्यों पैदा किया है और तुम करना क्या चाहती हो मेरे साथ। तो इसने मुझे बताया कि इसका एक बहुत पहले उसके साथ वॉर चालू था उस विदर नेक्रोमेंसर के साथ, तो उसी से बचने के लिए इसने मुझे बनाया है, पता नहीं क्यों, लेकिन यार मुझे इसके लिए फाइट करना पड़ता है विच के तरफ से। और इसने मुझे ये भी बताया कि हम लोगों का उसके साथ बहुत बड़ा एक झगड़ा हुआ था, और विदर नेक्रोमेंसर के भाई ने जिसका नाम है ब्लैकस्टोन गोलम, उसने मेरी याददाश्त मिटा दी अपने जादू से, और यार ये बहुत बुरी बात लगी मुझे। और इसने प्रूफ देने के लिए मुझे एक दूसरे रूम में ले गई, और ये पता नहीं क्यों उसको मार रही है फालतू में, और दूसरे रूम में ये मुझे बताती कि मैंने तुम जैसे को मतलब बहुत सारे लोगों को पैदा करने की कोशिश करी थी, अलग अलग ट्राई किया था। भाई इसने तो शायद डर्ट और सैंड से भी कुछ विदर बनाने की कोशिश करी है, और इसके पास कितने सारे विदर स्केलेटन के मुंडे हैं, मुझे भी नहीं समझ रहा था इतना सारा इसने कहां से लाया मार मार के। तो इससे मैं पूछता हूं कि ये बीच वाला क्या अजीब सा है, तो इसने बोला है कि ये जो बीच वाला है ना विदर, इसके पास सबसे ज्यादा ताकत होने वाली है, एक बार ये समन हो गया ना तो शायद ये पूरी दुनिया को खत्म करने का ताकत रख सकता है, मतलब 5-6 अंडर ड्रैगन तो एक ही बार में मार देगा। तो इसको समन करने के लिए इसको चाहिए था बहुत सारे ब्लेस वाले पाउडर, तो इसने मुझे बताया था कि मुझको नेदर में जाके एक ब्लेस गार्डियन को मारना पड़ेगा जिससे मुझे मिलेंगे थोड़े अलग टाइप के ब्लेस पाउडर, तो उसको मुझे लेके आना इसके लिए, और ये इसको बाद में समन कर देगी वाले विदर को और मुझे वापस से एक इंसान बना देगी। तो यार ये जर्नी में जाने से पहले मुझे कुछ गोल्डन एप्पल भी दे देती है फाइट के लिए, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और साथ ही साथ इसने मुझे बो भी दे दिया था और एक एक्स्ट्रा की बुक भी दी थी जिसमें शायद पावर 5 लगा था, और वो भी अच्छी बात थी, लेकिन मैं उसको लगाऊंगा किधर वो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास एनविल तो है ही नहीं। तो यहाँ से मैं सीधा निकलता हूँ अभी नेदर में, क्योंकि यार नेदर जाके ही मुझे मारना मिलेगा, उसकी लोकेशन तो मुझे मिल गई थी। तो उससे पहले मुझे यार ऑब्सिडियन चाहिए थे, और ऑब्सिडियन के लिए मुझे एक पिकेक्स चाहिए था जो कि बनेगा डायमंड का, तो मैं जल्दी से डायमंड माइन करना चालू कर देता हूँ और खुद के लिए आर्मर भी बना लेता हूँ डायमंड का, क्योंकि यार वो ब्लेज जो है ना भाई थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होगी, तो अच्छा खासा आर्मर भी चाहिए मुझे। और यहाँ से जल्दी से मैं थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन बना लेता हूँ और इसी को तोड़ के वहाँ पे जल्दी से चलते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी से पोर्टल बना लेता हूँ। और मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील तो था ही नहीं, तो मैं उसको भी कहीं ना कहीं से माइन करके ला लेता हूँ। भाई बाजू में नदी है, वहीं से मैंने तोड़ लिया था ग्रेवल, और उसी के मदद से फ्लिंट और स्टील बनाने के बाद मैं इस पोर्टल को जलाता हूँ और घुस जाता हूँ इसके अंदर। और अब मुझे नहीं पता था कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है अंदर में, क्या पता हमें विदर नेक्रोमेंसर ही मिल जाए तो वही कहीं ना कहीं मुझे मार सकता था। लेकिन यार ये काऊ यहाँ पे कैसे आ गई भाई? अरे भाई कोई और भी 100 डेज खेल रहा है क्या ऐसा काऊ? यार मुझे नहीं पता, अब देखा जाएगा वो कौन खेलता है। तो यार अभी जानने दो वो सब बातें, और मैं चलता हूँ आगे उसी ब्लेज गार्डियन के तरफ। और यार ये सामने में मेरे एक बहुत बड़ी शिप है और मुझे वही ब्लेज गार्डियन दिख गया है। और यार ये पता नहीं लड़का है कि लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग मारेंगे कोई भी हो ये। और उसके बाद यार यहाँ पे ये लोग पागल हो जाते हैं, पता नहीं खुद ही भाई लावा में कूद के मरना चालू कर देते हैं। भाई मुझे किसी को मारना ही नहीं पड़ा, भाई इतने खत्म लोग है ये, भाई मुझे समझ नहीं रहा था इनके साथ क्या चालू है इनके दिमाग में। लेकिन उनको छोड़ो, मैं जल्दी से इसको मारता हूँ। और ये उतना कुछ हार्ड था नहीं यार, मैं सच बताऊँ तो मैंने इसको चौथे हिट में ही खत्म कर दिया है, और इसने मुझे ब्लेज रॉड दे दिया है, और इसी को लेकर जाऊंगा मैं जल्दी से उस विच के पास। लेकिन यार उससे पहले ना, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने लिए एक बेस बना लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि यार कोई भी आके मुझे मार सकता था, तो उससे यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़े बहुत वुड माइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा अंडरग्राउंड बेस बनाऊंगा मैं अपने लिए, जो कि बहुत बेकार सा लगेगा तुम लोग को, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना वहना है नहीं, लेकिन बस बचने के लिए मैंने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बना लिया यहाँ पे, और कुछ जेल भी बना लिया कि मेरे साथ कोई भी यहाँ पे मजूरी करेगा तो उसको मैं जाके जल्दी से उसके अंदर डाल दूंगा। और यार अब चलते हैं हम लोग विच के पास। और जैसे ही मैं विच के पास आता हूँ तो भाई ये मुझे देख के चौंक जाती है, इसको लगा नहीं था कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा वहाँ पे, लेकिन मैंने सर्वाइव किया। और उसके बाद जब मैं ब्लेज पाउडर वाला मतलब ब्लेज रॉड जब मैं ला देता हूँ, तब मैं इसको जब मैं जैसे ही देता हूँ ना वो ब्लेज रॉड, तो ये पागल हो जाती है, ये सोचती है कि भाई कैसे ला सकता है। तो यहाँ से जल्दी से भागते हुए जाती है उसी वाले रूम में, और उधर जाने के बाद वो जो हमारा हरा वाला विदर था जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, उसके पैरों में फेंक देती है ये बहुत सारे ब्लेज रॉड, और उसके बाद मुझे आके बताती है कि इसको समन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यार टाइम लगेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यार मैं इससे बोलता हूँ कि चलो यार मैं थोड़ा अपना एक्सप्लोर करके आता हूँ दुनिया। तो ये मुझे बोलती है कि भाई जाओ तुम भी घूम के आओ, क्योंकि इसको समन होने में थोड़ा टाइम है अभी। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जाते जाते मुझे एक गिफ्ट के तौर पर
दे देती है एक टोटम जो कि इसके पति ने बनाया था। अब जो कि इसका पति का नाम विंडिकेटर है ना भाई, अब तुमको क्या पता, जाने दो कोई बात नहीं। तो ये टोटम ऑफ अनटाइम को लेके मैं चले जाता हूँ यहाँ से जल्दी, बहुत थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, देखते हैं ये सब दुनिया में और क्या होगा। और जैसे ही ये समन हो जाएगा हमारा विदर तो ये आके मुझे बता देगी। तो ऐसे ही चलते चलते यही वाले जंगल बायोम में मुझे मिल जाते हैं दो दो रेयर चीज़। अब ये जो जंगल टेम्पल था और उसके बाजू में एक बहुत बड़ा जंगल टेम्पल था, तो भाई वो अलग ही चीज़ है, जाने दो उसमें तो बाद में जाएंगे। और ये वाले टेम्पल को जब मैं लूटता हूँ ना तो बस यहाँ पे कुछ आयरन वायरन के अलावा मुझे कुछ मिलता है नहीं, तो यहाँ से जल्दी से बाहर भी चला जाता हूँ मैं, क्योंकि फालतू था यार पूरी जगह। और फिर उसके बाद ये जो हमारा मेन वाला था, अब इसके अंदर मैं जाने नहीं वाला क्योंकि इसके अंदर में भाई बहुत सारी एकदम गली गली है। तो फिर उसके बाद मुझे दिखता है यहाँ पे एक दो पांडा, और इससे जाके जब मैं बात करता हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, और ये मुझे बता रहा था कि कुछ पिलेजर लोगों ने इसके बच्चों को उठा के लेके चले गए हैं, और जो समनर करके एक सबसे बड़ा वाला पिलेजर है वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, बाद में बहुत बुरे तरीके से उसको रखा गया है। तो ये मुझे बोल रहा था कि यार तुम उसको प्लीज़ बचा के आओ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है और तुम्हारी एबिलिटी बहुत अच्छी है और तुम लोग उसको मार भी सकते हो। और इसने मुझे दो गोल्डन एप्पल भी दे दिया था पहले, और कुछ बैम्बू भी दिए थे खाने के लिए। अब इसको क्या पता मैं बैम्बू खा ही नहीं सकता हूँ, लेकिन जान दो अब इसने गिफ्ट दिया तो ले लेते हैं। और उसके बाद यार अब मैं चले जाता हूँ इसके बच्चे को छुड़ाने के लिए, क्योंकि विदर यार कभी कभी अच्छा काम भी कर लेते हैं। तो जैसे उस पांडा ने मुझे बताया था जिस लोकेशन पे, तो मैं उसी लोकेशन की तरफ बढ़ना चालू हो जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे दिखता है एक पिलेजर आउटपोस्ट जो कि पूरा बर्फ से बना था, और सामने मेरे समनर भी था जिसको मेरे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखता है उस पांडा का बच्चा। तो भाई ये बच्चा इतना बड़ा क्यों है वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जिस तरीके से इसने उसको रखा है ना, तो ये शायद कुछ ही देर में मरने वाला है। तो मुझे यार जल्दी से जल्दी उसको छुटाना पड़ेगा इन लोगों को मार के। लेकिन इसके जो स्केलेटन वाले थे ना, ये वैंगार्ड वाले स्केलेटन, भाई इनमें दम कुछ जाता ही था। विदर देख के भी इनको डर नहीं लग रहा है भाई, मुझे मार रहे हैं और उल्टा डैमेज भी दे रहे हैं। भाई मेरे पास डायमंड का पूरा आर्मर है लेकिन भाई इज्जत ही नहीं है मेरी, अब क्या बताऊँ, मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं एक साथ इन पर पूरा हावी हो जाता हूँ, लेकिन यार ये लोग पे भी बहुत ज़्यादा दम था। और ये समनर एकदम से गायब हो जाता है, पता नहीं कैसे टेलीपोर्ट हो जाता है। तो बीच में मैं इसको बचाने लगता हूँ क्योंकि यार ये शायद मरने वाला है, लेकिन उसको मैं बचा ही लेता हूँ, ऐसे बाद में तुमको पता चलेगा। अब पता नहीं क्यों मैंने स्पॉइलर दे दिया तुमको, लेकिन इन लोग से मैं लड़ता हूँ भाई बहुत देर तक। भाई मेरी पूरी हेल्थ खत्म कर देते, तो मुझे गोल्डन एप्पल भी खाना पड़ता है। और उसके बाद ये जो था यहाँ पे, इसको मैं मारता हूँ, और जैसे ही यहाँ से गिरता है ना भाई, गिर के मौत हो जाती है उसकी, अलग ही टाइप की मौत मिली है, पता नहीं कैसे इतना बड़ा बॉस फालतू में खुद ही मर गया। लेकिन इसको मैंने बचा लिया था बाद में, और फिर ये आके मुझसे थैंक यू बोलता है, और इसको मैंने थोड़ा खाने पीने की चीज़ें भी देता हूँ बाद में। और इसको मैं बोलता हूँ कि चलो मेरे साथ तुम्हारे मम्मी पापा के पास, लेकिन ये बोलता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं अकेले जा सकता हूँ। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसको हमने बचा तो दिया है, लेकिन इसके साथ बीच रास्ते में कुछ भी हुआ तो उसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ, जाने दो। फिर उसके बाद मैं जैसे ही अपने घर पहुँचता हूँ, तो यहाँ पे अंदर आने के बाद मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था, और मुझे इस जेल को थोड़ा सा भरना वरना था। और मैं जैसे ही घुसता हूँ यार इधर विलेज में ना, वैसे ही रेड चालू हो जाती है। अब यार मेरे पास पता नहीं कहाँ से आ गया था बैड ओमन, लेकिन यार मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है। तो जाने दो वो सबको, मैं आयरन गोलम को लेकर चलता हूँ अपने वही कैद करने के लिए हमारे जेल में, और वो रेड से भाई कुछ भी खत्म हो जाए मुझे वैसे ही क्या करना है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उस विलेज से, क्योंकि मैं खुद ही एक विदर हूँ, इन लोग का खात्मा ही चाहता हूँ मैं। और बाद में मैंने कुछ पिलेजर लोगों को भी पकड़ लिया था वहाँ पे, और यहाँ पे रेड चालू ही चाहे मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, जाने दो। हम लोग अपना हेबल चुरा के आराम से खाएंगे पिएंगे, उनको लड़ने दो भाई, उनको लड़ना है। तो फिर एकदम से अगले दिन सुबह सुबह वो विच दौड़ के आ जाती है, और एकदम से अलग ही इसकी आवाज़ थी, बहुत डरी समी थी। तो ये मुझे बताते हैं कि इसकी जंगल वाले वुडलैंड मेंशन पे यार बहुत बड़ा अटैक हो चुका है उस विदर नेक्रोमेंसर का, और भाई वो पूरे कैसल को, मतलब वो जो पूरा वुडलैंड मेंशन है उसको वो जला रहा है। तो यार जल्दी से मैं भागते हुए चलता हूँ इसके साथ में, और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचने लगते हैं तो मुझे दूर से ही बहुत सारे आग दिख रहे थे, और जैसे ही मैं पास में जाता हूँ ना भाई, उसने जंगल के साथ ही जला दिया है भाई ये पूरे वाले जगह को। तो भाई ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, और उसके साथ भाई ये मुझे बताती है कि वो विदर भी एकदम समन होने ही वाला था, और वैसे ही यहाँ पे आके इसको पूरा आग लगा दिया है, और वो विदर समन नहीं हो पाया। और ऊपर से मैं देखता हूँ कि वहाँ पे भाई हम लोग को देख रहा है, तो मैं जैसे ही विच को बोलता हूँ तो विच पूरा खोल जाती है और उसके पास सीधा लड़ने चले जाती है। और मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ विच को, लेकिन ये सुनती है नहीं मेरी बात, और जाके इन लोगों की फाइट चालू हो जाती है ऊपर में। ये उसको पोर्शन से मार रही थी, लेकिन भाई उसने इसको बहुत आराम से मार दिया इस विच को। और फिर उसका पति भी आता है उसको बचाने के लिए, लेकिन ये जाके एक फाइट में उसको भी मार देता है, और भाई यहाँ पे ये एक एक करके सबको मार रहा था। और जैसे ही मैं इसके पास आता हूँ ना, तो मैं इससे पूछता हूँ कि यार तुमने उस विच को क्यों मार दिया, तो इसने बोला कि भाई मैं अपना बदला ले रहा हूँ उससे। तो उसके बाद यार मेरा भी दिमाग खराब हो जाए, और इसको जैसे ही मैं मारता हूँ तो ये यहाँ से भाग जाता है। अब मुझे नहीं पता ये मेरे से डर के क्यों भागा, लेकिन यार ये भाग चुका है वहाँ से, ये शायद मुझे मारना चाहता था नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों यार ये ऐसा चाहता होगा यार, मुझे नहीं समझ रहा। तो मैं यही पता करने के लिए सीधा घुसता हूँ इस नेदर पोर्टल में और जाता हूँ उसके पास, लेकिन यार नेदर पोर्टल के जस्ट सामने उसका भाई खड़ा था जो कि था एक ब्लैकस्टोन गोलम, और ये मुझसे कहता है कि इसके भाई को मारने से पहले मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, और जब ये मरेगा तभी मैं उसके भाई को मार सकता हूँ, नहीं तो वो मरेगा भी नहीं क्योंकि वो पूरा इम्यून है पता नहीं कोई तो जादू से। तो इसके साथ मेरी फाइट चालू हो जाती है, और ये मुझे एक बहुत खतरनाक नॉकबैक देता है, और इससे मैं लड़ते ही जाता हूँ। वो तो अच्छा मेरे पास एक टोटम था, और सच बताऊँ तो वो यूज़ हो जाता है। यहाँ पे एक हॉगलिंग भी आ गया, तो उसको भी मैं मारता हूँ, और यार इसने एकदम
एकदम से मुझे दो हार्ट पे ला दिया था। सोचो यार, मैं विदर हूँ, मेरे पास पूरे 20 हार्ट है, लेकिन भाई मेरे को दो हार्ट पे ला देता है और उसके बाद ये मुझे पूरा भी मार देता है। और यार अब तो इसने मेरा टोटम भी यूज करा दिया, और यार मैं इससे डर रहा था थोड़ा, लेकिन तभी आ जाता है एक विदर स्केलेटन का बच्चा जो कि मुझे आके बताता है कि विदर नेक्रोमेंसर के साथ इसका झगड़ा चालू है। तो बस इतना ही बोल के मुझे एक स्वॉर्ड दे देता है जिसमें शार्पनेस 5 लगी थी, और मैं अपनी गोल्ड आयरन वाली स्वॉर्ड फेंकता हूँ और फिर इससे मैं और वो छोटा वाला बच्चा इसको मारना चालू करते हैं। और वो बच्चे में यार कुछ ज्यादा ही दम, यार मुझे नहीं पता क्या खासियत है उसकी, लेकिन यार अब मैं इसको मारते मारते बहुत बुरी हालत ला देता हूँ ब्लैकस्टोन गोलम की, क्योंकि इसने अब अपना कलर भी चेंज कर दिया था। लेकिन मैं अपना आखिरी वाला शॉट देता हूँ इसको और मेरे पॉइजन से ही वो मर जाता है। और यार उतने में इसके बच्चे बच्चे भी थे जो जिसको भी मैं मार देता हूँ, मतलब ब्लैकस्टोन गोलम के बच्चे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। और फिर मैं इससे बात करता हूँ और इससे पूछता हूँ कि इसने मुझे क्यों बचाया। तो ये मुझे बताता है कि जो विदर नेक्रोमेंसर है ना, उसने इसकी फैमिली को पूरे सबको मार के खत्म कर दिया, और ये अकेला कैसे तैसे वहाँ से भाग के आया है। और इसको कहीं से तो पता चला है कि मेरा जो दुश्मन है वो भी एक विदर नेक्रोमेंसर ही है, तो इसने बोला कि यार हम दोनों साथ में मिलके मारेंगे उसको, तो थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसने मुझे ये भी बताया कि इसके पास एक एबिलिटी है, इसको बस एक पोर्शन चाहिए जो कि ये पी लेगा, तो ये भी विदर नेक्रोमेंसर जैसा बन सकता है, अपना साइज बड़ा कर सकता है। तो ये अभी मुझे लेके चलता है विदर नेक्रोमेंसर के पास, क्योंकि मैंने पूछा था इससे कि वो कहाँ है। और मैं इसको यहीं पर बोल देता हूँ कि तुम यहाँ पर रुक जाओ और मैं जाके उससे बात बात करके आता हूँ, या तो उसको सीधा मार ही दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये जो बच्चा था ना बहुत छोटा था, तो रिस्क लेने से अच्छा इसको मैं बोल देता हूँ कि तुम वहीं पर रुको और मैं से बात करके आता हूं। और मैं जैसे ही आता हूं ना इसके पास फोर्ट्रेस में इससे बात करने के लिए, तो ये लोग मुझ पे हमला कर देते हैं। और यार मुझे विदर का ही, मतलब विदर होके ही विदर का इफेक्ट मिला है, मुझे पता नहीं कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं। तो इसको मैं मारने की कोशिश करता हूं, इसके अलग अलग स्केलेटन, ये पता नहीं कि वो बहुत सारे स्केलेटन को समन कर पा रहा था। लेकिन यार उसके बाद यार जैसे ही मैं लड़ता हूं ना, तो ये मुझे एक अलग ही जादू कर देता है मेरे ऊपर, मुझे कुछ दिखता है नहीं, तो मैं वहां से भाग जाता हूं। यार मरने से अच्छा तो मुझे अभी भागना चाहिए वहां से। तो यार अपनी चीजें एन्चांट करने के बाद मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पे आता हूं ना, तो मुझे यहां पे दिखता है कि यार हमारा विलेज जो था वो पूरा जलने लगा। अब मुझे यार इस विलेज से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे एंडर ड्रैगन के बच्चे दिखे, मतलब जिन लोगों ने ये सब पूरा विलेज विलेज जलाया, और ये लोग दुनिया को हथियाना चाहते हैं। अब पता नहीं क्यों यार मुझे समझ नहीं रहा था ये एक विदर नेक्रोमेंसर क्या है और ये क्या है, मतलब एंडर ड्रैगन कहाँ से आ गया। तो मैं इससे पूछता हूँ कि भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ से आयो। तो ये जो है ना मुझे बताता है कि भाई जो एंडर ड्रैगन है ना इस वर्ल्ड का, म्यूटेंट एंडर ड्रैगन, वो तुम्हारा असली विलन है भाई। ये जो विदर नेक्रोमेंसर है वो बस उसका एक चेला है, और वैसे वो चेला भी नहीं है, बस वो एंडर ड्रैगन जो है उसने विदर नेक्रोमेंसर की जो फैमिली है उसको पूरा कब्जा के रखा है। और वो एंडर ड्रैगन नेक्रोमेंसर को ये बोलता है कि अगर तुमने उसकी बात नहीं सुनी, मतलब एंडर ड्रैगन की बात नहीं सुनी, तो वो उसको, मतलब उसके पूरे फैमिली को मार के खत्म कर देगा। तो उसी के डर में विदर नेक्रोमेंसर सबको परेशान करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि विदर नेक्रोमेंसर अच्छा आदमी है, लेकिन एंडर ड्रैगन उससे फालतू काम कराता है। और उसके बाद मैं जैसे ही अपने घर में घुसता हूं ना, तो यार यहां पे मेरा पूरा घर फूटा हुआ था, पता नहीं ये किसने किया, शायद ये काम एंडरमैन का ही है, क्योंकि विदर नेक्रोमेंसर से तो मैं अभी मिलकर आया हूं। अब यार मुझे नहीं समझ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, विदर नेक्रोमेंसर मारना चाहिए कि उस एंडर ड्रैगन को। लेकिन अगले दिन सुबह मुझे दिखता है कि यार बहुत बड़ा टावर बनाया है उसी पोर्टल के पास, और विदर नेक्रोमेंसर यहीं पे खड़ा है। और फिर जैसे ही जाके मैं इससे बात करता हूँ, तो ये मुझे बताता है कि यार अब इसको मरने का मन कर रहा है, क्योंकि यार इसके फैमिली को उस एंडर ड्रैगन ने मार दिया है, जो म्यूटेंट एंडर ड्रैगन है उसने इसको मार दिया है, इसके पूरे फैमिली को, क्योंकि उस मुझे पता चल गया था कि ये एक अच्छा आदमी है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार ऐसे फालतू में अपनी जान मत दो, हम लोग साथ में मिलकर उस एंडर ड्रैगन को मारते हैं। लेकिन यार मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, ये बोल रहा था कि अब मुझे मरना ही होगा। तो मैं इससे बोलता हूँ कि यार मेरे पास कुछ और तरीका भी नहीं है उसको मारने का, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो म्यूटेंट एंडर ड्रैगन है। तो ये मुझे बताता है कि नेदर में एक बहुत बड़ा नेदर का भगवान बैठा है, तो उसको मुझे अपनी पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, और तब जाके वो मुझे एक पोर्शन देगा जो मैं किसी स्केलेटन को पिलाऊंगा, तो कोई भी स्केलेटन विदर नेक्रोमेंसर बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे जान देने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में चलो हम लोग साथ में मिलकर उस एंडर ड्रैगन को मानते हैं। लेकिन जैसे ही इसको मैं रोकने जा रहा था, वैसे ही यहां से कूद के अपनी जान दे देता है। अब यार मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे ही मैं नीचे जाके देखता हूं ना, तो यार इसकी बस एक्सपी एक्सपी पड़ी थी, चलो वो भी ले लेते हैं। लेकिन इसके पास कुछ गोल्डन एप्पल थे अंदर इसके इन्वेंटरी में पड़े होंगे शायद, और एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल थे भाई। पता नहीं यार ये इतना अमीर इंसान था लेकिन फालतू में मर गया, जाने दो अब हमको क्या करना है उससे, वैसे भी उसने बहुत मस्ती किया है हमारे साथ। तो यार जल्दी से मैं यहां से जाता हूं सीधा नेदर में, और जैसा कि मुझे उसने बताया था कि वो नेदर का कोई भगवान है, तो मैं उसके पास जाता हूं। और ये था भाई इसका अलग ही बड़ा सा साइज था, तो यार इससे मैं जल्दी से यहां पे बातें करता हूं और इसको मैं बताता हूं कि यार मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मुझे एक पोर्शन चाहिए, मुझे नेदर को बचाना होगा, नहीं तो अगर वो एंडर ड्रैगन पागल हो गया ना, तो वो ओवर वर्ल्ड के साथ तुम्हारे पूरे नेदर को भी खा जाएगा और तुम भी उसके सामने कुछ नहीं हो। तो यार ये मेरी बातें सुन के ही डर जाता है एकदम, और यार इसको मैं बोलता हूं
हूँ कि यार तुम मुझे जल्दी से वो चीज़ दे दो, तो ये जल्दी से मुझे एक वो पोर्शन दे देता है और ये बोलता है बेस्ट ऑफ लक मेरे आगे के जर्नी के लिए, और अगर मैं मर गया तो शायद ये शायद अपनी दुनिया तो बचा ही लेगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, लेकिन जाने दो। हम लोग तो अभी उससे फाइट लेने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर इसके बाद मैं जल्दी जाता हूँ उस वो छोटे वाले स्केलेटन के पास और इसको आके बता दो कि मैंने तुम्हारे लिए एक पोर्शन लाया जिसको पी के तुम विदर नेक्रोमेंसर बन जाओगे। तो यार कोई बात नहीं, चलो इसको मैं सबसे पहले पोर्शन देता हूँ, और ये जैसे मेरे सामने पीता है ना वैसे ही कुछ देर में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक विदर नेक्रोमेंसर में, और इसको मैं जल्दी से बोलता हूँ चलो अब हमको जल्दी से एंड में जाके उस म्यूटेंट वाले एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा। तो यार मेरे साथ ये जल्दी से उड़ते हुए चलता है और इसको मैं बोलता हूँ कि तुम उड़ भी सकते हो, तो ये उड़ते हुए चलता है वापस से उसको मारने के लिए, और बीच में रुक के मुझे बताता है कि इसके पास बहुत सारे एंडर पर्ल है जो मुझे लगेगा उसको मारने के लिए आई ऑफ एंडर। तो इसको लेके चलते हैं हम लोग हमारे ओवरवर्ल्ड में और जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ लेते हैं, और जहाँ पे वो हमारा म्यूटेंट वाला एंडर ड्रैगन बचा है ना अब तो उसकी खैर नहीं। और अब बहुत ज़्यादा आगे जाने के बाद वो जो डायरेक्शन था ना हमारे आई ऑफ एंडर का वो नीचे जाने लगता है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ अंदर, और अंदर भाई मुझे सीधा मिल जाता है पता नहीं कैसे, मैं बहुत एकदम अलग ही हमारा किस्मत चालू है अभी। और यहाँ पे जाके जल्दी मैं एंड पोर्टल में पूरे ये सब लगा देता हूँ आई ऑफ एंडर, और यहाँ पे बन जाता है हमारा पोर्टल। तो सबसे पहले हमारा विदर नेक्रोमेंसर कूदता है इसके अंदर, और उसके बाद सीधा मैं भी घुस जाता हूँ इसके अंदर। और भाई यहाँ अंदर जाने के बाद ना यहाँ पे अलग ही सीन चालू था, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार अच्छे से फाइट लेना कहीं मर वर मत जाना, तो हम लोग यहाँ इससे लड़ना चालू करते हैं, एक एक करके इसका क्रिस्टल फोड़ते हैं। और ये वाला जो एंडर ड्रैगन है ना भाई इसकी मूवमेंट और थोड़ा सा डैमेज, थोड़ा सा कैर बहुत ही ज़्यादा डैमेज तुमको आगे पता चलेगा, तो एक एक करके मैं इसके पूरे सारे क्रिस्टल तोड़ता हूँ विदर नेक्रोमेंसर के साथ, और फिर इसको मारना भी चालू कर देते हैं हम दोनों मिलके। और यार ये मरने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यार इसमें दम बहुत ज़्यादा है, और इसमें यार ये जो सामने का पूरा बेडरॉक का एरिया है ना वहाँ पे खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर हम लोग बस इससे फाइट ले ही रहे थे, लेकिन ये जो हमारा विदर नेक्रोमेंसर है ना इससे बहुत ज़्यादा लड़ता है, इसको डैमेज भी अच्छा खासा देता है, लेकिन एक टाइम बाद उसकी मौत हो जाती है यार। तो यार कमेंट सेक्शन में रेस्ट इन पीस स्केलेटन लिख देना यार, छोटा स्केलेटन छोटू स्केलेटन रेस्ट इन पीस लिख देना। तो यार अब मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं इसके ऊपर सीधा कूद जाता हूँ और एक ही शॉट में इसको खत्म कर देता हूँ, लेकिन मरते मरते भी ये मुझे एक अच्छा खासा नॉकबैक देता है, लेकिन हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया है। भाई देखो यार इसको मैंने कितनी बुरी मौत दी है, एकदम अलग ही आवाज़ आ रहा है इसके मरने का, यार बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, हमने पूरे वर्ल्ड को बचा लिया एक विदर बन के। लेकिन यार तुमको अगर ये वीडियो पसंद आई ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और तुम चाहो तो ऐसे ही मेरे दूसरे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो यहां पे क्लिक करके। बाय।